ऐसे मम्मा को परेशान भी नहीं करता है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, अभी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं चाय पी के। पहले पी लेती हूँ मैं चाय। चाय मैंने बना के रख दिया और सभी चाय पी रहे हैं। इन्होंने तो पी चुके, ये तो हिरेन भी गुंजिया खा रहा है, चाय पी रहा है और मैं भी अभी गुंजिया खाऊंगी, चाय पीऊंगी। कोको सब कुछ कर चुका है, इसे घुमाने लेके जाएंगे। कोको को अब घुमाने लेके जाएंगे वॉक पे। चलेगा कोको घूमी करने? घूमी करने चलेगा? जाओगे घूमी करने? अच्छा, आपको हाय बोल रहा था गाइस, तो हाय लिख देना कोको के लिए। हाय करिए कोको ने। तो अभी घुमाने चलते हैं। चलिए कोको को चाय पी लेती हूँ और आप भी पीजिए मॉर्निंग की टी मेरे साथ गर्मा गर्म। देखो गाइस, कोको ना गुंजिया मांग रहा है हमसे, बहुत बिगड़ रहा है। गुंजिया मांगता है, घूमने। कोको का पता नहीं मन है नहीं है, अभी तो भोक रहा था, ये बैठा था। जाएगा साथ में? नहीं जाएगा। इसे भी ले जाने वाले थे ना हम घुमाने, बट ये एक तरफ जाकर सो रहा था, तो मैं सोच रही थी लेके जाऊँ नहीं जाऊँ। चलेगा? मेरी तरफ देख रहा है वो। ठीक है, तो दोनों यहीं रहो। तुम्हारे किसी का पेड़ तो अच्छा लग रहा था, वाला पेड़ आम का लग रहा तुम्हारे पेड़। किस चीज़ का पेड़? सो गाइस, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बड़ा एकदम सुकून सा मिल रहा है, ऐसा लगता है जीवन में। हाँ, छोटा सा लेकिन अच्छा है, जो बट अच्छा लग रहा है, ऐसा सुकून सा मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा सी, एकदम फ्रेश है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी बारिश के मौसम में आराम से लग जाएंगे, है ना। तो गाइस, आपको भी लगाने चाहिए। वैसे मैंने अभी लगाए नहीं, अपने घर के बाहर तो कई लगा रखे हैं, 2-3 पेड़ लगा रखे हैं, बट बाहर भी लगाऊंगी। मेरा मन है कि काफ़ी सारे, जैसे कोई बर्थडे होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है कुछ भी, तो उस पर ना पेड़ लगा दो कहीं बाहर। इस तरह से सोच रही हूँ। गाइस, अभी वापस चल दिए घर के लिए। पेड़ के नीचे खड़े रहे, जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो बिल्कुल भी। मेरा तो यही मन था कि यहीं खड़े रहो, इतना लाइफ में सुकून आता है ना गाइस, पेड़ पौधों के पास जाओ, टाइम बिताओ, तो अलग ही मज़ा आता है। अब देखो एरोप्लेन आने वाला है, आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है। A few moments later. So guys, घर पे वापस आ चुके हैं। नमस्ते कर लो, नमस्ते नमस्ते कर ली। लेट के करता है नमस्ते गाइस, लेट के करता है नमस्ते, बैठ के नहीं करता, लेट के करता है। सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आ रहे हैं हमारे पेड़, बहुत प्यारे लगता है। फोटो सेशन के लिए भी बढ़िया है, ऐसे खड़ी हो जाए तो कितने प्यारे फोटो आएंगे। A few moments later. पीछे बाबा के पहली बोल रहे थे ना, बहुत भारी है। निकल गया ना, कोई काम इतना कैड़ा नहीं होता। उसे अगर बड़ा काम है तो छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। हमने छोटे छोटे पकड़ लिए। मोटिवेशन मोटिवेशन। हिरेन मत पड़, उसके पीछे मत पड़। हीरा वाला रखा है सारा, वो अब नहाएगा ही, वो नहला दूंगी। वो तो ऐसे करता रहेगा, नहीं मानने का, वो शैतान है ज्यादा। इसमें बिठाऊं? देखा बिठा दे इसे तुम में। इतना गंदा बाबू हो रहा है, इतना गन्ना बाबू हो रहा है, इतना गन्ना बाबू। ओ गुस्सा, अरे कोको गुस्सा हो गया। बाथिंग मिशन चालू हो चुका है। कोको नहा रहा है फर्स्ट टाइम लाइफ में। कैसा लगता होगा फर्स्ट टाइम? कोको को कैसा फील होगा? सो गाइस, कोको के लिए मैंने वार्म वाटर किया है। तो गीजर से हमने पानी ना बिल्कुल ऐसा कर लिया है, आराम से कर लो, निवाया पानी है, गुनगुना पानी, मतलब ऐसा भी नहीं गर्म ना ही ठंडा है, तो बिल्कुल फ्रेश वाटर है जिसमें मजा आएगा मेरे कुकले को। और ये कोको का शैम्पू लाए थे हम। अरे अरे लड़ रहे हैं, कोको को मिलाने करता रहा हूं, रुक जाओ। क्या कर रहा हूं? तो अभी पहले के स्पंजी लगाने, पहले तो गीला करना। स्पंजी लगा रहा मैं, रुक जाओ। एक चीज करूंगा कोको के लिए, लड़ाई छोड़ो एक सेकंड।
झाग बना रहा हूँ मैं। चलो भगवान जी का नाम लिया जाएगा। हे भगवान जी, हे गणेश जी महाराज, हे सारे भगवान, हमारे कोको को फर्स्ट बाथिंग डे पे आप ब्लेसिंग्स दीजिए। कोको बड़े प्यार से नहाएगा, मेरे बेटी कान में नहीं आना चाहिए ध्यान से। पापा नहीं कान में कान आ ओ भाग रहा है भाग रहा नहीं है कहां भाग रहे हो कहां भाग रहे हो। हमारा कोको नहाए नहीं करेगा, मेरी कुकी नहाई नहीं करेगी। हाँ अब छपाई बोलिए छपाई। बिल्ली साला पानी निकाल दिया। ये हमारा कोका, अब इस पर शैम्पू लगाते हैं हम। तो गाइस अभी कोको की ना धीरे धीरे मसाज करके मैं मिला रही हूँ इसे। ऐसे दबा के फिर ऐसे अंदर? हाँ मैं कर लूँगी भाई। तो कोको को मज़ा आ रहा है वैसे, ऐसा परेशान नहीं कर रहा। नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पपीज तो, लेकिन ये आराम से ना आ रहा है। देखिए कोको कितने मजे से ना रहा है, ऐसा भी नहीं परेशान करता। मेरे पापा बहुत होशियार है, पानी से डरता नहीं है। कोको तो बहुत गुड बॉय है। कोको तो बहुत गुड बॉय है। कोको तो नहीं नहीं करता है, पालचे ऐसे मम्मा को परेशान भी नहीं करता है। ठीक है गर्दन के नीचे, गर्दन पे भी करने दे बाबू थोड़ा सा, ये एरिया भी रह गया थोड़ा सा। हाँ आइज क्लोज क्लोज आइज, चमक जाएगी आज तो, लेमन खुशबू आएगी मेरे बाबू में प्रेगनेंट। गाइस कोको ना आराम से एंजॉय कर रहा, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोको है देखो, देख रहा खोल रखी है, बंद कर रखी है खोल रखी है। अब थोड़ी सी स्विमिंग करेगा कोको, करेगा स्विमिंग थोड़ी सी। पानी ओ बेटे, ओ बेटे पानी में। गाइस कोको कर रहा है एंजॉय, स्विमिंग कर ले कोको पानी में। स्ट्रबल से शायद मुश्किल है कि इसमें वैसे रबड़ नहीं है। चुप रह लेगा। अभी पूछ दूंगी अपने बाबू को। हाँ अपने बाबू की तो छपाई कर दूंगी बिल्कुल, ऐचे कैचे कर लिए मेरे बिट्टो। अपने बाबू को तो प्यारी प्यारी से पूछ दूंगी मैं बिल्कुल, अपना प्यारा बाबू को। कैची पट गया देखो, ऐसे नहीं परेशान कराया बिल्कुल भी इसने, नहीं पता कट्टी कट्टी मचा देते हैं। अरे नींद आ गई क्या नींद आ गई मेरी बेटी को, तो नींद आ गई। कल भी नहीं चकला आया था तो पाली कर दे, किसी ने सोची नहीं कर दी प्यारी भी नाराज नहीं है। देखो मेरा कोको मुझसे नहाने के बाद में प्यारी कर रहा है, पाली कर दे। अपने सब्सक्राइबर्स को भी कर दो प्यारी, बहुत लोग देख रहे होंगे आपको बाबू, पाली कर दो किच्ची कर दो किच्ची। ड्रायर लाओ निकाल लो। चलो महाराज एक लेट ड्रायर लाओ। हम कोको को ड्राई कर रहे हैं तो ड्रायर लगा देते हैं हल्का सा, जैसे कूल वाला ड्रायर होता है ना वो वाला। आगे उस तरफ कर, उस तरफ की इधर। हां शायद इस तरफ नहीं, इस तरफ ही होगा। तो गाइस कोको सूख जाएगा फिर ठंड भी नहीं लगेगी बिल्कुल। और आपको भी अपने पपी को ऐसा करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए मिला के, ऐसे ही नहीं छोड़ना उसे, कॉम्ब करना जरूरी होता है इनके हेयर्स के लिए, वरना हेयर लॉस होने लगता है इनका भी। तेल पे भी कॉम्ब हो रही है मेरे कोके के, मेरे कोके के कॉम्बिंग क्या रही है। कोको आराम से नहा चुका है और मेरे दिल को इतना सुकून है, पता मैं अभी घबरा रही थी नहीं, फर्स्ट टाइम है बच्चा नहाएगा तो मुझे भी बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि एक तो पपीज काटने का डर रहता है, क्योंकि जब नहलाते हैं ना हम उन्हें फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या कई बार वो पपीज बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं डॉगी अगर नहलाओ तो, नहलाते बार तो बहुत सीरियस मैटर होता है डॉगी का, वो कोई भी अभी नहाना नहीं जाता, लेकिन हमारे कोको के साथ बिल्कुल ये अलग बात है। और अब वो एंजॉय कर रहा है अपना नहा के। मैं डर रही थी वरना, थोड़ा सा शिवर कर रहा था ना ये नहाने के बाद, मैं डर लग रहा था मैंने कि हमने ज़्यादा तो नहीं नहला दिया ऐसा डर लग रहा था, बट नहीं सही है बिल्कुल। चलो अब हम भी नहा लेते हैं, बिल्कुल गीले हो रहे हैं हम भी। A few moments later. और आज मैंने खाने में बनाया है भिंडी और पराठा। सो गाइज आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए,
और चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।